दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस इंटरव्यू पे। दोस्तों अच्छी खबर, मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट वन के कैंडिडेट जिसका सेशन 2020-27 है वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, बीए बीएससी बीकॉम में से बीकॉम वाले कैंडिडेट का रिजल्ट आज के दिन जारी कर दिया गया है। आप लोग अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए lnmuinfo.in। आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो lnmuinfo.in की जो वेबसाइट है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस साइट पर नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करिए, इस साइट पर आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर न्यू अपडेट आप लोग देख सकते हैं, lnmu न्यू अपडेट में कि lnmu पार्ट वन रिजल्ट जारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने जारी किया डिग्री पार्ट वन का रिजल्ट। सत्र 2020-23 के स्टूडेंट होंगे तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित जानकारी या रिजल्ट चेक करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो रिजल्ट जारी किया गया मात्र कॉमर्स वाले कैंडिडेट का जारी किया गया है। आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में साइंस और आर्ट वाले का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है मात्र PDF फाइल में जारी किया गया है, तो इसमें कुछ गलतियां हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट अभी जारी किया गया है वही मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि चेक LNMU पार्ट वन रिजल्ट 2021, चूँकि आप लोगों का एग्जाम 21 में हुआ था इसीलिए 21 लिखा गया है। रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ क्लिक करें पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने PDF फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी 89 पेज में है, चूँकि केवल कॉमर्स वाले कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है। आपको अगर रिजल्ट अपना देखना है तो करना क्या है कि ये PDF फाइल जब डाउनलोड करिएगा आप, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपना रोल नंबर को कॉपी करना है या टाइप करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। इससे पता कर सकते हैं कि पास, इसके बाद प्रमोटेड। ठीक है, एक बात और, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस साइट पे भी आकर के प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण बातें होते हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी साइट पे आना है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करके अपना जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है लगभग 14,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।